एनाबेल, ये डॉल आखिर आई कहाँ से? किसी ने तो इसे बनाया होगा ना अपने हाथों से। इस सवाल का जवाब काफ़ी हद तक वॉरेंस के पास था, जिसे उन्होंने अपनी किताबों में बताया है और मैं आज आपको बता रहा हूँ। बात है 1968 की। एक लड़की जो नर्स की पढ़ाई कर रही थी और अपने रूममेट्स के साथ रहती थी, उसकी दादी ने उसे एक डॉल गिफ्ट किया था, जिसे उन्होंने एक पुराने सामान बेचने वाले स्टोर से ख़रीदा था। वो डॉल उस लड़की के साथ कुछ अजीब तरह से बिहेव करने लगी थी और उसे थॉट्स या ड्रीम्स के थ्रू ये बताया कि उस डॉल में एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम था एनाबेल। लेकिन उस लड़की ने उस डॉल को एक्सेप्ट किया और उसकी देखभाल करने लगी, लेकिन फिर भी वो डॉल बहुत भयानक तरीकों से उन्हें परेशान कर रही थी। और फिर उन लड़कियों ने वॉरेंस के साथ कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने उस डॉल को अपने म्यूजियम में रख दिया, जहां उस जैसी बहुत सी शापित वस्तुएं रखी गई हैं, और आज भी हर हफ्ते उस म्यूजियम के शुद्धिकरण के लिए वहां पर पूजा कराई जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, ये चीज़ें सिर्फ इत्तेफाक और कहानियां हैं या ये वाकई में एक्सिस्ट करती है? मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।